Yes, welcome students in my YouTube channel once again. And today we will start the macroeconomics chapter number 1. Then first of all, अभी भी कई बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनके पास नोटिफिकेशन नहीं जा रहा होगा जैसे मैं कोई नई चीज़ अपलोड करता हूँ, तो आप सब्सक्राइब करें, काइंडली सब्सक्राइब इट. काफ़ी कम सब्सक्राइबर है, 60 ऑलरेडी थे इसमें, तो पता नहीं बच्चे क्यों नेग्लेक्ट कर रहे हैं. इट इज़ योर बेनिफिट. ओके, लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर मैक्रो इकोनॉमिक्स. देन इन दिस चैप्टर वी विल कवर 3 पॉइंट्स. बहुत छोटा सा चैप्टर है एंड नथिंग टू वरी, इट इज़ ओनली इंट्रोडक्शन. इसमें से कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आता, बट स्टिल वी नीड टू स्टडी कि वॉट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस बुक. तो ये इंपॉर्टेंस इसलिए हो जाता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस नो दैट विच काइंड ऑफ टॉपिक वी विल कवर अंडर दिस. तो ये जो टू डू आपके पास दिया है उसमें 1, 2 and 3 टॉपिक आपको पढ़ने. मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, हाउ द मैक्रो इकोनॉमिक्स डिफर फ्रॉम माइक्रो इकोनॉमिक्स, लास्ट ईयर भी पढ़ा था इसको, दोबारा रिवाइज करेंगे. स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक्स. तो चलो स्टार्ट करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है, थोड़ा सा जूम कर देते हैं, ईजी रहेगा. यस, द टर्म मैक्रो जो है इन इंग्लिश हैज इट्स ओरिजिन इन द ग्रीक टर्म मैक्रोन्स, मैक्रोन से हुआ है, इकोनॉमी एज अ होल. दस द मैक्रो इकोनॉमिक्स इज डिफाइंडेड एज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच स्टडीज इकोनॉमिक इश्यू ऑफ अ इकोनॉमिक प्रॉब्लम एट द लेवल ऑफ एन इकोनॉमी एज अ होल. पूरी इकोनॉमी को होल एज अ वन इकोनॉमी मान के पढ़ते हैं. तो मैक्रो में पूरी इकोनॉमी एक साथ आएगी और माइक्रो में इंडिविजुअल प्रोड्यूसर होता था, कंज्यूमर होता था, प्राइस डिटर्मिनेशन होता था, डिमांड सप्लाई थी, वो इसमें नहीं होगा. इट स्टडीज सच इकोनॉमिक इक्वेशंस दैट कंसर्न द वेलफेयर ऑफ द रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री. जो कंट्री के रेजिडेंस के बारे में बात करते हैं वेलफेयर, वो होगा. दीज क्वेश्चंस आर लाइक, कौन से क्वेश्चन है, एम्प्लॉयमेंट फॉर द रेजिडेंस, ग्रोथ ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी, द प्रॉब्लम ऑफ प्राइस राइज और द प्रॉब्लम ऑफ डिप्रेशन, लैक ऑफ डिमांड. डिप्रेशन मतलब लैक ऑफ डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस द डिफरेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी. जब पूरे तीनों सेक्टर में डिमांड अचानक कम होती है तो दिस इज नोन एज डिप्रेशन ऑफ द कंट्री एंड सो ऑन. मैक्रो इकोनॉमिक्स ऑल्सो स्टडी हाउ गवर्नमेंट कैन इम्प्रूव द स्टेट ऑफ इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री. तो ये चीज़ें आप इसमें पढ़ेंगे. तो इसमें मेन जो अपने पास था वो ये रेड जो मैंने सर्कल किया, ये वाली डेफिनेशन थोड़ी सी जो है आप याद रखें अगर कोई क्वेश्चन आता है ना. यस, लेट्स कम टू द, ये बॉक्स दिया गया, द सेम डेफिनेशन इज रिपीटेड हियर. यहाँ पे भी जो सेम डेफिनेशन है उसी को रिपीट किया गया. आप इसको देखेंगे तो वही बॉक्स होगा, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया, सॉरी. हाउ मैक्रो इकोनॉमिक्स डिफर फ्रॉम द मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स से कैसे डिफर होता है इसको देखेंगे. दोनों में प्लस वन में आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ा था, मैक्रो के जो वेरिएबल्स हैं उसको देख से लेट्स स्टार्ट. तो पहला है बेसिस ऑफ स्टडी. स्टडी बेसिस में क्या डिफरेंस है. माइक्रो जो है वो स्टडी किसको करता है, प्रॉब्लम ऑफ स्केयरसिटी ऑफ चॉइस एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल हाउस होल्ड, अ फर्म और इंडस्ट्री के बारे में हम उसमें डिस्कस करते थे. और जो मैक्रो है स्टडीज द प्रॉब्लम ऑफ स्केयरसिटी एंड चॉइस एट द लेवल ऑफ अ इकोनॉमी एज अ होल, पूरी इकोनॉमी में. इलस्ट्रेशन फॉर जो इसके एग्जाम्पल है, माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी हाउ अ कंज्यूमर एक्सरसाइज इज चॉइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज सो दैट दैट ही मैक्सिमाइज द सेटिस्फेक्शन विद द गिवन इनकम. भी माइक्रो में देखा तो अपनी इनकम से वो कैसे सेटिस्फेक्शन पूरा करता है, और मैक्रो में स्टडी हाउ द नेशन रिसोर्सेज, पूरे देश के रिसोर्सेज को सोशल वेलफेयर के लिए कैसे काम में लिया जाता है, चाहे वो कंज्यूमर गुड हो, चाहे हमारे देश के लिए डिफेंस गुड्स का प्रोडक्शन हो. तो देश के जो पूरे रिसोर्सेज हैं उसको कैसे वेलफेयर को, कंट्री के जो रेजिडेंट्स हैं उनके वेलफेयर के लिए, बट ज़्यादा से ज़्यादा वेलफेयर करने के लिए हो सके. इकोनॉमिक जो वेरिएबल है माइक्रो इकोनॉमिक्स है, यूजेस द माइक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल सच एज कंज्यूमर डिमांड प्रोड्यूसर सप्लाई. माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो वेरिएबल थे उसमें डिमांड और सप्लाई था. तो डिमांड करता है कंज्यूमर, सप्लाई करता है प्रोड्यूसर, उसी के साथ कंज्यूमर बिहेवियर, प्रोड्यूसर बिहेवियर, प्राइस डिटर्मिनेशन, ये सब पढ़ा. मैक्रो में जो आपको पढ़ना है वो है एग्रीगेट डिमांड. दो चीज़ें आएंगी, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई. तो रेफरिंग ये जो पॉइंट है मैक्रो इकोनॉमिक को रेफर करते हैं कि मैक्रो में आपको इन चीज़ों को स्टडी करना पड़ेगा. फिर आता है अपने पास इकोनॉमिक एजेंट्स क्या है. इकोनॉमिक एजेंट्स रेफर टू द इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशनल. इसमें इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशनल दोनों तरीके के एजेंट्स आते हैं. हु टेक इकोनॉमिक डिसीजन, जो इकोनॉमिक डिसीजन लेते हैं, जैसे बैंक वगैरह हुए, क्रेडिट प्रोवाइड करना, पैसा इकोनॉमी में ज़रूरी होता है.
तो इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट इंक्लूड कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर, एक सिंगल जो जैसा बैंक होता है वो एक कंज्यूमर को डील करता है, तो दे फोकस ऑन मैक्सिमाइजेशन ऑन द पर्सनल गेन्स। तो ऐसे इंस्टीट्यूशन माइक्रो में आते हैं। इंस्टीट्यूशनल इकोनॉमिक यूनिट्स इंक्लूड स्टेट और द स्टेटरी बॉडीज लाइक जैसे RBI रिजर्व बैंक हो गया, SEBI हो गया, या TRAI जो टेलीकॉम रेगुलेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। दे फोकस ऑन द मैक्सिमाइजेशन ऑफ सोशल वेलफेयर एट द माइक्रो लेवल। ये सब माइक्रो जो एजेंट हो जाते हैं। इकोनॉमिक डिसीजन आर टेकन लार्जली बाय द इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट्स हैं, वाइल एट द मैक्रो लेवल इंस्टीट्यूशनल जो एजेंट आ जाते हैं। तो इसमें तो इंडिविजुअल एजेंट है, उसमें इंस्टीट्यूशनल एजेंट आ जाएंगे। डिग्री ऑफ एग्रीगेशन, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिग्री ऑफ एग्रीगेशन जो है लिमिटेड डिग्री होता था, उसमें क्या है लिमिटेड डिग्री है, याद रखना है। माइक्रो लेवल में आपके पास और मैक्रो में ये जो लिमिटेड जो डिग्री है ये नहीं होता, उसमें कम्प्लीटली एग्रीगेशन होता है। इलस्ट्रेशन जो है माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी इक्विलिब्रियम ऑफ इंडस्ट्री का इक्विलिब्रियम पढ़ते थे। इट इज़ एन एग्रीगेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ प्रोड्यूसिंग अ पर्टिकुलर कमोडिटी। इसमें पर्टिकुलर कमोडिटी के बारे में पढ़ा जाता था। और मैक्रो इकोनॉमिक स्टडीज इक्विलिब्रियम ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल, पूरी इकोनॉमी को एज अ होल पूरा एक बड़ा पार्ट मान के एंटायर कंट्री के लिए पढ़ा जाता है। इट इज एन एग्रीगेशन ऑफ ऑल इकोनॉमिक यूनिट्स इन द इकोनॉमी। ये हो गया आपके पास डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। नेक्स्ट आता है आपके पास डिफरेंट सेट्स ऑफ अजम्पशंस। जो अजम्पशंस के जो सेट्स होते हैं, तो एक बार ऊपर कुछ पैराग्राफ रह गए थे, इसको देख ले। हाउएवर इम्पॉर्टेंट इट इज टू नोट दैट विद अ व्यू ऑफ एग्जामिन द स्ट्रक्चरल चेंज इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी में जो स्ट्रक्चरल चेंज होते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स ऑल्सो स्टडीड द लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन एग्रीकल्चर सेक्टर की एक्टिविटीज को भी देखा जाता है इसमें। किसमें? मैक्रो इकोनॉमिक्स में इंडस्ट्रियल सेक्टर को एंड सर्विस सेक्टर, इनको सेपरेटली करके देखा जाता है। जैसे पूरे इंडिया का एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया वो मैक्रो का पार्ट है, पूरा इंडस्ट्रियल सेक्टर हो गया वो मैक्रो का पार्ट है, और जो तीसरा जो थर्ड जो अपना सेक्टर हुआ, तीन प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, जिस टर्सरी सेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड सर्विस सेक्टर, इसको भी तीनों को सेपरेटली देखा जाता है। तो डिफरेंट सेट्स ऑफ अजम्पशन, अजम्पशन जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स आर बेस्ड ऑन द डिफरेंट सेट्स ऑफ अजम्पशन। अब बेसिकली फर्क क्या होता है, वैन यू स्टडीड द माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के वेरिएबल थे उनको क्या माना जाता है, अनचेंज या कॉन्स्टेंट मान लिया जाता है। ठीक, वो कॉन्स्टेंट होते हैं और वेरिएबल माइक्रो वाले होते हैं। पर जब आप मैक्रो पढ़ते हैं तो जो माइक्रो इकोनॉमिक्स वाले जो वेरिएबल थे, डिमांड सप्लाई, इसको कॉन्स्टेंट माना जाता है और मैक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी किया जाता है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स आर बेस्ड ऑन द डिफरेंट सेट्स ऑफ अजम्पशन। सर्टेन वेरिएबल्स आर अज्यूम्ड टू बी कॉन्स्टेंट इन माइक्रो इकोनॉमिक्स, वेयर दे आर अज्यूम्ड टू बी चेंजिंग इन मैक्रो। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में जिनको कॉन्स्टेंट माना जाता है वो मैक्रो में वेरिएबल हो जाते हैं, और जो मैक्रो में कॉन्स्टेंट है वो माइक्रो में वेरिएबल्स हो जाते हैं। जैसे आपने लास्ट ईयर टेक्नोलॉजी को क्या माना था, अनचेंज्ड माना था, तो मैक्रो में टेक्नोलॉजी भी बदल सकती है। इन अ मैक्रो इकोनॉमी वेयर दे आर अज्यूम्ड टू बी चेंजिंग इन मैक्रो, सिमिलरली सर्टेन वेरिएबल्स दैट आर अज्यूम्ड टू बी कॉन्स्टेंट इन मैक्रो एज अज्यूम्ड टू बी चेंजिंग इन माइक्रो। तो मतलब माइक्रो वाला जो वेरिएबल है वो मैक्रो में कॉन्स्टेंट है, और जो मैक्रो का वेरिएबल है वो माइक्रो में कॉन्स्टेंट है। ठीक, वैसे तो अगर टेक्नोलॉजी की बात करें तो आगे जब आप मैक्रो में पढ़ेंगे तो कीनियंस जो थ्योरी थी उसमें भी टेक्नोलॉजी को कॉन्स्टेंट माना है, बिकॉज हमारा मेन मोटिव क्या था, अनएम्प्लॉयमेंट वाली जो प्रॉब्लम है उसको स्टडी करना है। तो टेक्नोलॉजी को उन्होंने भी कॉन्स्टेंट माना था। जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई का इक्विलिब्रियम आप इस ईयर पढ़ेंगे इन अपकमिंग चैप्टर। इलस्ट्रेशन में क्या हुआ, इन मैक्रो इकोनॉमिक्स टोटल आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट आर टेकन एज कॉन्स्टेंट। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसमें टोटल जो आउटपुट है, तो आउटपुट मतलब टोटल जो सप्लाई है प्रोडक्शन, उसको आपने कॉन्स्टेंट मान लिया। वाइल दीज आर इम्पोर्टेंट वेरिएबल, मैक्रो इकोनॉमिक्स के इम्पोर्टेंट वेरिएबल्स हो जाते हैं। इन मैक्रो इकोनॉमिक्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आउटपुट इनकम इज टेकन एज कॉन्स्टेंट। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो डिस्ट्रीब्यूशन आउटपुट और इनकम है इज टेकन एज कॉन्स्टेंट, वाइल द इम्पोर्टेंट वेरिएबल इन माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो में जिनको आपने वेरिएबल माना है वो माइक्रो के इम्पोर्टेंट वेरिएबल थे। मतलब मैक्रो में जिसको कॉन्स्टेंट मान लिया वो तो माइक्रो के वेरिएबल थे, और माइक्रो के जो वेरिएबल थे वो मैक्रो में कॉन्स्टेंट माने। अब सेंट्रल इश्यूज क्या होते हैं ये देखते हैं। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इज द सेंट्रल इश्यू ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में लास्ट ईयर आपने पढ़ा था
how we can allocate the resources on the priority basis of the country's development or the development of economy. तो ये उसका मेन पॉइंट था. सेंट्रल इश्यूज, डिटर्मिनेशन ऑफ ओवरऑल लेवल ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट इज द सेंट्रल इश्यू ऑफ मैक्रो इकोनॉमी. और मैक्रो इकोनॉमिक्स का सेंट्रल इश्यूज क्या है? ओवरऑल आउटपुट पूरे दी कंट्री में, गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन, मतलब हमारा जीडीपी, मतलब हमारा नेशनल इनकम. इसमें एम्प्लॉयमेंट वाले जो प्रॉब्लम है वो बेसिकली स्टडी होती है, ठीक, बिकॉज इट इज स्पेशली टू द इंडियन कॉन्टेक्स्ट. तो इसमें ये प्रॉब्लम ज़्यादा है. इसलिए मेथड ऑफ स्टडी है, मेथड ऑफ स्टडी मैक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एट द जर्नल इक्विलिब्रियम एनालिसिस. मैक्रो इकोनॉमिक्स को जर्नल इक्विलिब्रियम एनालिसिस के मेथड से पढ़ा जाएगा. ऑन द अदर हैंड, मेथड ऑफ स्टडी इन द माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एट द पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस. मतलब इंडिविजुअल जो इक्विलिब्रियम होता है, इट इज कॉल्ड पार्शियल इक्विलिब्रियम, और जो सारे इंडिविजुअल मिला के कंट्री का जो इक्विलिब्रियम है वो जर्नल इक्विलिब्रियम कहलाएगा. दैट्स ऑल. तो यहाँ पे आपके पास हाई ऑर्डर थिंकिंग का एक क्वेश्चन आता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन पार्शियल इक्विलिब्रियम एंड जर्नल इक्विलिब्रियम. तो इसको देख लेते हैं. पार्शियल इक्विलिब्रियम रेफर टू द इक्विलिब्रियम इन वन मार्केट, मतलब से कमोडिटी मार्केट, ऑन द अजम्पशन दैट देयर इज नो चेंज इन अदर मार्केट. दूसरे मार्केट में कोई चेंज नहीं होगा, लाइक लेबर मार्केट, कैपिटल मार्केट कॉन्स्टेंट रहेंगे. और जर्नल इक्विलिब्रियम रेफर टू द टू साइमल्टेनस इक्विलिब्रियम इन ऑल द मार्केट, मतलब सभी मार्केट में चेंजेस हो रहे हैं इन द इकोनॉमी. और पार्शियल इक्विलिब्रियम इज द मेथड ऑफ स्टडिंग माइक्रो एंड जर्नल इक्विलिब्रियम इज द मेथड ऑफ स्टडिंग मैक्रो इकोनॉमिक्स. ये इनमें दोनों में जो बेसिक फ़र्क है, इसको आप, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको एक बार मैंने सर्कल कर दिया ताकि आपके लिए हाईलाइट हो जाए, तो आप इसको ईजीली, मतलब अच्छे से अपने नोटबुक में भी कॉपी करें और याद करने की कोशिश करें. अब माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स क्या है? वॉट इज लॉजिकल एट द माइक्रो लेवल मे नॉट बी लॉजिकल एट मैक्रो. जो माइक्रो लेवल पे लॉजिकल है, मैक्रो पे क्या लॉजिकल है? इलस्ट्रेशन, इवन इंडिविजुअल सेव्स मोर. अगर एक इंडिविजुअल ज़्यादा सेविंग करता है, ही एड्स टू हिज फ्यूचर प्रॉस्पेरिटी को ऐड करता है. इफ वी सेव मोर तो हमारे फ्यूचर में काम आने वाली चीज़ होगी वो, ठीक. नेक्स्ट पेज चेंज करते हैं. इफ ऑल द पीपल, कैमरा शिफ्ट कर देते हैं, यस, इफ ऑल द पीपल इन एन इकोनॉमी सेव्स मोर, डिमांड फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज में डिक्लाइन. अगर पूरे कंट्री में सभी लोग सेविंग ज़्यादा करेंगे, देन हु विल इन्वेस्ट? अब लोग पैसा खर्च ही नहीं करना चाहेंगे, तो इससे डिमांड क्या हो जाएगा? ओवरऑल गुड्स और सर्विस का वो कम हो जाएगा, सीधी सी बात है. कॉन्सिक्वेंटली इन्वेस्टमेंट में डिक्लाइन. तो मैंने बताया था अपने पिछले शायद वीडियो में, कहीं पहले बताया होगा प्रीवियस क्लास में, कि जो एस और आई, सेविंग और इन्वेस्टमेंट है, तो हमारा जो जर्नल इक्विलिब्रियम है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, इसमें एक ये इक्विलिब्रियम का पार्ट है. व्हेन एस इज इक्वल टू आई, आपकी सेविंग और इन्वेस्टमेंट बराबर होते हैं तो इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम होता है. बट अगर सेविंग ज़्यादा होगी और उतना इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, तो फिर वो डिमांड कम होने लगेगी. और जब किसी इकोनॉमी में डिमांड कम होती है, तो इकोनॉमी धीरे धीरे नीचे आने लगती है, फिर उसको वापस ऊपर लाना मुश्किल है. जस्ट लाइक ये जो भी लॉकडाउन टाइम चल रहा है, तो प्रोडक्शन बहुत कम हो रहा है ना, तो इकोनॉमी नीचे जा रही है. तो दो महीने में जितना नीचे जाएगी, उसको साल भर वापस ऊपर लाने में लगता है. तो बेसिकली ये इकोनॉमी में समझने वाली चीज़ है. प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल में फॉल, तो प्रोडक्शन भी फॉल होगा, एम्प्लॉयमेंट लेवल भी फॉल होगा. वही लॉकडाउन के बाद ऐसा जो कुछ बताया जा रहा है, इकोनॉमिक्स बोल रहे हैं काफ़ी नौकरियां जाएंगी, तो मे बी द सेम ऑल द इकोनॉमिक इश्यूज हैं. इकोनॉमिक स्टूडेंट अच्छी तरह समझता है उसको. द इकोनॉमी विल बी ड्राइवन टूवर्ड द फ्यूचर पॉवर्टी रादर देन प्रॉस्पेरिटी. तो इससे पॉवर्टी बढ़ती है, प्रॉस्पेरिटी नहीं बढ़ती. प्रॉस्पेरिटी कब बढ़ती है? जब नेशनल इनकम जीडीपी बढ़ता है. और जीडीपी कब बढ़ता है? व्हेन इकोनॉमी स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मोर एंड मोर गुड्स एंड सर्विसेज. तो अगेन देयर इज अ हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन, इज सेविंग अ वर्च्यू और अ वाइस? क्या सेविंग हमारे लिए एक अच्छा है या नहीं? क्या किस तरीके से इकोनॉमी काम करता है? फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ एन इंडिविजुअल, सेविंग इज वर्च्यू. मतलब एक इंडिविजुअल की तो इकोनॉमी अच्छी है, उससे उसमें प्रॉस्पेरिटी आती है. ही कैन डिपॉजिट हिज सेविंग इन द बैंक एंड कैन अर्न अ रेगुलर इनकम. अपनी सेविंग का एफडी करा दिया, आरडी करा दिया, उससे इनकम होता. बट फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ द इकोनॉमी के व्यू पॉइंट से देखें, एज अ होल सेविंग में प्रूव टू बी अ वाइज. जो अपने पास जो सेविंग है वो एक अच्छा काम नहीं कर रही, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ. व्हेन एवरीबडी सेव्स मोर, एक्सपेंडिचर टेंड टू डिक्लाइन.
तो एक्सपेंडिचर नहीं होगा ना, आपके पास इनकम 12,000 है, आपने 10,000 सेव कर लिए, 2,000 का सामान लाए, तो सर्कुलेशन फ्लो जो है मनी का वो टूटता है ना, आपने तो रख लिए, अब क्या करूं, आप बैंक से उसका इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट कम हो जाता है, तो ये एक इकोनॉमी के लिए अच्छा जो साइन है वो नहीं होता। तो आपके पास एक्सपेंडिचर टेंड टू डिक्लाइन, इट कॉजेज अ डिक्लाइन इन एग्रीगेट डिमांड। सभी लोग सेविंग करेंगे तो एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगा, बाजार में सामान नहीं बिकेगा, और जब डिमांड कम होगी तो फिर क्या होगा, सप्लायर अपनी सप्लाई को कट ऑफ करेंगे, कि जो उनके पास अनसोल्ड स्टॉक होगा तो प्रोडक्शन करना कम कर देंगे। सिंपल एग्जाम्पल है, एक समोसे वाले के पास 500 समोसे रोज बिकते थे, अब लोगों ने समोसा खाना बंद कर दिया, लॉकडाउन में लोग बाहर नहीं निकलते तो सब प्रोडक्शन भी बंद है, गवर्नमेंट भी इजाजत नहीं देती। जैसे डिमांड कम होता, तो जैसे कीपैड वाले मोबाइल का डिमांड अब गया, स्क्रीन टच वाले मोबाइल आ गए, तो अब उनका प्रोडक्शन नहीं होता, बट स्टिल दो प्रोडक्शन हो रहा है, बट सम पीपल आर यूजिंग, बट अब उनकी ह्यूज डिमांड नहीं है। तो बिल्कुल ऐसे, तो इसका असर किस पे जाता है, डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट पे। अगर एग्रीगेट डिमांड कम होगी तो सप्लाई कट होगी, तो फिर एम्प्लॉयमेंट लेवल भी नीचे जाएगा। तो डिमांड कॉजेज अ फॉल इन इन्वेस्टमेंट, इंप्लाइंग अ फॉल इन द प्रोडक्शन एंड अ फॉल इन द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, द इकोनॉमी मे बी ड्राइवन इन टू द स्टेट ऑफ डिप्रेशन। तो वो नीचे की तरफ चली जाएगी, जैसे कोई गाड़ी का पहिया कीचड़ में फंस जाता ना, वैसे स्लिप डाउन हो जाता है, उसको ओवरकम करना बड़ा मुश्किल होता है। जैसे डिमोनेटाइजेशन के बाद हम काफ़ी मुश्किल से आए, वहाँ भी GDP ग्रोथ कम हुआ था, अब ये लॉकडाउन वाला हो गया, कोरोना इंसिडेंट, खैर ये तो पूरे वर्ल्ड के लिए अमेरिका जैसे कंट्री है काफ़ी नीचे आया GDP। स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप क्या है, स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स रेफर टू द फील्ड ऑफ स्टडी ऑफ एन ऑफ और एरिया ऑफ द स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, इट इंक्लूड द फॉलोइंग लीडिंग इश्यूज। इसमें जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो लीडिंग इश्यूज हैं वो क्या हैं, इसको देखते हैं। पहला एस्टिमेशन ऑफ द नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट। तो आपका जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का पहला ही टॉपिक है नेशनल इनकम्स है, भी नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेशन उसका होता है, और एक्चुअली नेशनल इनकम क्या, पहले बताया था इट इज़ अ GDP, द वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज विच आर प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री इन एन अकाउंटिंग ईयर। तो ये एस्टिमेशन ऑफ एग्रीगेशन हो गया, जिसमें GDP हो गया, इसमें भी दो है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है GDP और GNP। तो नेशनल जो प्रोडक्ट होता है NNPFC, नेट फैक्टर इनकम जो है, जो वो फैक्टर कॉस्ट वाला हमारा नेशनल इनकम होता है। तो इसके भी दो कंसर्न होते हैं, एक तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है और एक नेशनल प्रोडक्ट होता है, और इसमें भी हर में दो होता है, जैसे GDP हुआ तो NDP होता है, मतलब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो GDP और NDP में क्या फ़र्क हुआ, डेप्रिसिएशन वाला, NDP में जो डेप्रिसिएशन है वो इंक्लूड नहीं होता है, और GDP में वो डेप्रिसिएशन जो है ऐड होता है। तो इसको वाइडली डिस्कस करेंगे आगे। थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है अपने पास कीनियन, सभी मैंने बताया था प्रोफेसर जो कीन से, उन्होंने भी टेक्नोलॉजी को अवॉइड किया अपनी थ्योरी में, बिकॉज जो एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट वाली जो प्रॉब्लम होती है बेसिकली उसी को स्टडी करना हमारा मोटिव होता है एक इकोनॉमी में। तो ये प्रोफेसर जो कीन्स की जो थ्योरी थी एम्प्लॉयमेंट वाला जो इक्विलिब्रियम लेवल लगेगा इनकम डिटर्मिनेशन में, वो आप इसमें पढ़ेंगे। थ्योरी ऑफ जो मनी है, मनी सप्लाई होता है जो RBI जो नोट इशू करता है, कॉइन्स इशूड होते हैं, ये इसमें थ्योरी ऑफ मनी में आपके पास आ जाता है, RBI आ जाएगा और आपके कमर्शियल बैंक्स आ जाते हैं, उनका प्रोसेस वो कैसे वर्क करता है। जो फोर्थ है थ्योरी ऑफ सेंट्रल प्राइस लेवल, जनरल प्राइस लेवल इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी गैप्स, जो इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी गैप बनते हैं जनरल प्राइस लेवल से। अब इन्फ्लेशनरी गैप क्या होता है, महंगाई होना, और डिफ्लेशनरी गैप जब चीज़ें सस्ती होती है, तो डिफ्लेशनरी गैप इंडिया में है, इसके बारे में वाइडली डिस्कस करेंगे, पूरा एक चैप्टर होगा। तो यहाँ सिर्फ एक इंट्रोडक्शन है अपने पास, तो अपने पास पॉइंट नंबर 4 हो जाता है। पॉइंट नंबर 5 है रोल ऑफ द गवर्नमेंट और गवर्नमेंट बजट, जो गवर्नमेंट का जो बजट होता है जो अपने फेबरी में आता है, अपने जो फाइनेंस मिनिस्टर आके बजट पेश करता है, तो वो क्या होता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर क्या क्या हुआ उसके बारे में बताते हैं, और ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर वो अपकमिंग ईयर के लिए जो एक पॉलिसी, जो प्राइस जो अलग अलग सेक्टर में कहाँ टैक्सेशन बढ़ा घटा या सब्सिडीज को बढ़ाया घटाया, उसके बारे में सारे लॉजिकली इंफॉर्मेशन देते हैं कि अपकमिंग ईयर के लिए ये चीज़ें लागू होंगी। तो ये बजट जो है गवर्नमेंट का, ये भी हम इसी मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। नाउ एक्सचेंज रेट एंड
रेट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट, जो फॉरेन एक्सचेंज रेट, एक्सचेंज रेट का मतलब फॉरेन एक्सचेंज रेट की बात हो रही है। तो फॉरेन एक्सचेंज जो रेट है 70 rupees इज इक्वल टू $1 है, जब वेन इंडिया गॉट फ्रीडम तो 1 rupees इज इक्वल टू $1 था। तो इट डजेंट मीन कि हमने कुछ बुरा किया, अमेरिका ने काफ़ी डेवलपमेंट किया अपना, तो उनका जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है फॉरेन एक्सचेंज पे उसके बारे में पढ़ेंगे, जो फॉरेन करेंसी का कैसे अप्रिसिएशन होता है, डेप्रिसिएशन होता है, ये टॉपिक भी इसी साल कवर करना है। तो ये 6 जो पॉइंट थे मेजर, नाउ सिग्निफिकेंस, मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्या महत्व है। द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हाईलाइट द सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। फर्स्ट है डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इकोनॉमी, एक इकोनॉमी का डिस्क्रिप्शन होता है, जिसमें जो फर्स्ट पॉइंट आता है वो एस्टिमेशन ऑफ द नेशनल इनकम हो गया, स्टडी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, गवर्नमेंट बजट रिवेल्स द वे ऑफ इकोनॉमी इज अ रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट। ये 3 पॉइंट आपको इसमें पढ़ने पड़ेंगे। ये यहाँ इसलिए डिटेल नहीं समझा रहा हूँ बिकॉज दे कैरी द फुल चैप्टर इन दिस बुक, इट इज़ ओनली इंट्रोडक्शन। रोड मैप ऑफ द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इकोनॉमी का जो रोड मैप होता है ग्रोथ और डेवलपमेंट का, किस तरीके से वो सेट होता है, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में अपने पास आ जाता है। नंबर 2.3 है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, एक इकोनॉमी में स्टेबिलिटी कैसे, स्टडी ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प टू अचीव द इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, मतलब विदाउट मोर अप्स एंड डाउन इन इकोनॉमी वो कैसे चलता है, इसके बारे में भी आप देखेंगे। नंबर 5 BOP बैलेंस ऑफ जो पेमेंट है, ये इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का मामला होता है। व्हेन द वैल्यू ऑफ टोटल एक्सपोर्ट इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ टोटल इम्पोर्ट, जितने पैसे का सामान बाहर भेजा है उतने ही पैसे का अगर मंगा लिया, देन वो जो बैलेंस ऑफ पेमेंट रहता है, कि बैलेंस ऑफ पेमेंट है, अगर इम्पोर्ट ज़्यादा है तो वो क्या होगा, नेगेटिव चला जाएगा, एक्सपोर्ट ज़्यादा है तो सरप्लस चला जाएगा। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट भी पढ़ना है। मैंने पहले बताया था ब्रिटिश टाइम में क्या था, फॉरेन ट्रेड सरप्लस में था, बट उस बेनिफिट को वो इंडिया के वेलफेयर में काम नहीं लिए, बट टुडे हमारा जो फॉरेन जो ट्रेड है ये किस में चलता है, नेगेटिव चलता है, माइनस में जाता है। तो वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट जो है वो कम है, वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट बहुत ज़्यादा है। ठीक। नंबर 5 प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी एंड एनवायरमेंट पॉल्यूशन भी पढ़ना है। एनवायरमेंट पॉल्यूशन तो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में चैप्टर आएगा, उसी का पार्ट है, पर पॉवर्टी वाला जो हिस्सा है वो भी हम उसी में कवर करते हैं, पर वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के वेरिएबल माने जाते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स वाली बुक में पॉवर्टी और एनवायरनमेंट वाला टॉपिक नहीं है, ये उधर मिलेगा आपको। पॉलिसी फॉर्मुलेशन जो है, इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल, जो एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, टोटल कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी, आउटपुट अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी एंड द लाइक इज एक्सट्रीमली यूजफुल। तो ये जो चीज़ें पॉलिसी फॉर्मुलेशन भी हमारा इसी में आता है, भी गवर्नमेंट कैसे पॉलिसी फॉर्मुलेशन करते हैं। एंड आई थिंक दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर, ये चैप्टर का एंड है। थोड़ा सा जो लास्ट में रह गया है इसको भी देख लेते हैं। इमर्जिंग चैलेंजेस ऑफ द इकोनॉमी बिकम एविडेंट ओनली दो मैक्रो इकोनॉमिक्स डेटा से ही इमर्जिंग जो चैलेंजेस हैं वो सामने निकल के आते हैं। फिर आपके पास कुछ रिवीजन के जो पॉइंट्स हैं, जो थे मैक्रो माइक्रो इकोनॉमिक्स थे, ये आपके पास आ जाएंगे। बेसिकली ये जो एक्सरसाइज है आपके पास, MCQ वगैरह, फिल इन द ब्लैंक्स हैं, ट्रू फॉल्स हैं, ये मैं आपको सेंड कर दूंगा। हाँ, तो आप इसको भी करिएगा। दिस इज़ द फर्स्ट चैप्टर।